पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व रेणुका के विधायक विनय कुमार सोमवार को रेणुका में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान विनय कुमार ने कोरोना के बीच तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व रेणुका के विधायक विनय कुमार ने कहा कि देश की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है और ऐसे में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विनय कुमार ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से जहां बस किराया बढ़ेगा, वहीं किसानों बागवानों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार के दिन बढ़ाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि ऐसे समय में सरकार गरीब लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर उन्हें राहत प्रदान करें। जनता की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां आया हूं और अभी कोरोना की जो महामारी से पूरा देश हमारा ग्रस्त है और पूरा प्रदेश हमारा जो इसमें लिप्त है, तो इस बीमारी से महामारी से अभी हम उभर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और धड़ाधड़ जो दामों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें आपको खासकर देखने को मिला होगा कि आज की तिथि में जो पेट्रोल के दाम हैं वो कम हैं और डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा है और ये जो रेट है ये अभी भी कोरोना के दौरान ही बढ़ाए गए हैं और इसी के चलते हुए अब आप देखिए सब्जी दालें और भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको उनमें भी बहुत ज़्यादा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए कि बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि अब जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बसों के किराए भी बढ़ते हैं और साथ ही में आप देखेंगे कि सिलेंडर आपके गैस के सिलेंडर इसके लिए भी बढ़े हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस टाइम आपके जो लोग हल्ला करते थे जो आपके मंत्रिमंडल में आज शामिल हैं वो लोग कहाँ हैं आजकल? उनको ये महंगाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि जब वो सिलेंडर अपने पीठ में उठा के चलते थे, प्याज अपने गले में लटकाते थे और बहुत हल्ला गुल्ला करते थे और देश को बताते थे कि महंगाई इतनी होगी इतनी होगी, और उस समय तो आज से आधी कीमतें हुआ करती थी, आज उससे डबल कीमतें होगी और चार पाँच साल के अंदर इतनी बढ़ोतरी हुई है कि जो चीज़ पहले 50 रुपये की थी वो आज 100 रुपये की है। तो क्या उन आपके जो पार्टी के लोग हैं और आपके मंत्रिमंडल में शामिल जो लोग हैं क्या उनको आज ये महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक आम जनता पर जो इसका बहुत बड़ा बोझ है, बहुत भारी बोझ है और इस बोझ को उतारने के लिए आपको कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा। हमारे गरीब जो लोग हैं, जनता है इस देश की, इस प्रदेश की, और मजदूर भाई लोग हैं, उनकी आजीविका के लिए कोई प्रयास करने पड़ेंगे और जो मनरेगा के दिन हैं उनमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और जो हमारे मजदूर भाई है, जो हमारे गरीब तबका है, उन लोगों के खाते में, सभी के खाते में आप 10-10 हजार रुपये का हमने पहले भी निवेदन किया था कि आप डालें 10-10 हजार रुपये ताकि उन लोगों को इस कोरोना के महामारी का जो बोझ पड़ा है उससे निजात मिल सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन कीमतों को ना बढ़ाएं और इन कीमतों को वापस लें और जो ये बढ़ोतरी आपने की है उसमें रोक लगाएं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।